आगे बढ़े और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन को बंद कर दिया गया। हुकूमत ने अपोजिशन के सिवा किसी का एहतसाब नहीं करना। हम मालब जम्मा बिलियन ट्री समेत हर चीज का हिसाब लेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्ला खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को वार्निंग, बोले जो बात करने वाली होती है हुकूमत इस पर खामोशी इख्तियार कर लेती है। करप्शन पर मुसाफी मोमिनीन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वजारत खारजा ऑफिस में टिकटॉक बनाने वाली लड़कियों को पकड़ने का भी मुतालबा कर दिया। इन्होंने कोई एहतसाब नहीं करना, इसलिए नहीं करना कि केपी के जहाँ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी है वहाँ पे एहतसाब कमीशन ने खत्म कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिर्फ अपोजिशन को पकड़ना है। हम हर चीज का हिसाब लेंगे। हम मालम जब्बा का हिसाब लेंगे, हम बिलियन ट्री का हिसाब लेंगे। अजीबो गरीब हुकूमत है, जो असल बात होती है उसके बारे में ये बात ही नहीं करते, केस मार जाते पंजाबी में जिसको कहते हैं, लेकिन जो बात करने वाली होती है उस पर खामोशी इख्तियार करते हैं। मैं जरा गौर से देखता हूँ, मीडिया को अखबारों को भी पढ़ता हूँ, वो कह रहे हैं जी ये इन दोनों ने करप्शन की है इसलिए निकाला है। भाई करप्शन की है तो उनका नाम इसी एल में क्यों नहीं डालते, क्योंकि शरीयत कहीं और की है। लेकिन शरीयत का ये मतलब नहीं है कि आप किसी मुल्क में जाके क्राइम करें और आपको कोई पूछने वाला ना हो। आप उन्हें पूछे, उनके खिलाफ मुकदमा चलाएं, उनको मत जाने दें। करप्शन की है भाई, करप्शन की है तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना एक्शन। दो टिकटॉक की स्टार्स हैं जो कभी दुबई में नजर आती हैं, कभी कहीं नजर आती हैं, कभी कहीं नजर आती हैं, और कभी फॉरेन ऑफिस में नजर आती हैं और वजीर खारजा की सीट पे बैठती हैं, कभी वजीर आजम हाउस में नजर आती हैं और वजीर आजम की सीट पे बैठती हैं। अब मुझे बताएं बात के वजीर आजम की सीट पे मजाक सीट है, वजीर खारजा की सीट पे मजाक सीट है, उसमें बैठ गए। अच्छा लोग सवाल कर रहे हैं, जवाब नहीं देते।